नमस्कार, भारत उदय समाचार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बिहार के मधुबनी जिला के रईका प्रखंड में आने वाला गांव सोहराई लेकर चलता हूं। यहां पर पंडोल बाजार भी है, सकरी बाजार के समीप ही ये गांव पड़ता है। और खासकर लोगों, ये गांव के जो लोग हैं उनका मेन मार्केट अगर कहा जाए तो सकरी ही है और पंडोल तो है ही। खासकर ये गाँव बहुत ही बड़ा गाँव है और यहाँ पर जो काली पूजा हो रहा है, भव्य काली पूजा, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर सामने जो लोग माँ काली की प्रतिमा को लेकर ऐसे नाच रहे हैं जैसे लग रहा है वो खिलौनों को पकड़कर नाच रहे हैं। जी नहीं, यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा जो माँ काली की है, यहाँ पर बहुत ही सालों से यहाँ पर प्रथा चला आ रहा है कि माँ काली की मूर्ति जो प्रतिमा है माँ काली की, पूजा करने के बाद विसर्जन के समय में गांव के युवा, गांव के लोग हाथ पर उठाकर उन्हें पूरे गांव लगभग 5 से 8 किलोमीटर तक का सफ़र करवाते हैं, पूरे गांव में दर्शन करवाते हैं, फिर ये विसर्जन के लिए लेकर जाया जाता है उसी गांव के तालाब के पास। लेकिन आइए सबसे पहले आपको मैं दिखाऊं इस गांव में जो पूजा हो रहा है, बहुत ही भव्य पूजा जो काली पूजा हो रहा है। इस गांव में लगभग 2 से 3 रात जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, क्वाली का कार्यक्रम होता है, जिससे समाज के लोग, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर आनंद लेने के लिए। देखिए कितना भव्य ये प्रोग्राम हो रहा है, सभी जगह पर लोग, महिलाएं जो है और जो लोग हैं यहाँ पर रुक कर दर्शन कर रहे हैं माँ काली और उनके साथ जो गणपति हैं, लक्ष्मी हैं, उन सभी देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए लोग पहले से ही खड़ा हैं। आइए आपको दिखाते हैं बहुत ही बड़ा ये जो कार्यक्रम है उनका दृश्य, आप देखिए इस स्क्रीन पर। और खासकर लोग जो इतने भारी भरकम मूर्ति को लेकर चलते हैं, पैदल चलते हैं, और जो रास्ता है वो भी खराब है, दुर्गम है, फिर भी लोग बहुत ही संयम के साथ, मजबूती के साथ पकड़कर माँ काली की जयकारा लगाकर निकलते हैं पूरे गांव तक। आइए उनके इंटरव्यू में भी जानते हैं और देखते हैं इस गांव की इस प्रतिमा को। आगे जो नेक्स्ट कवरेज में दिखाऊंगा आपको, उनका इंटरव्यू दिखाऊंगा, उस गांव के जो लोग हैं, जो सेक्रेटरी हैं इस काली पूजा के, जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा इस काली पूजा के बारे में, इस गाँव के बारे में, उसके बारे में भी बताऊँगा। लगातार काली पूजा का कवरेज आप देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, भारत उदय समाचार के माध्यम से। लगातार आपने नवरात्रि का कार्यक्रम देखा मिथिला से, अब काली का जो काली पूजा है उसका कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आइए विशेष कवरेज दिखाते हैं, यहां लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और लगातार हाथ पर उठाकर सभी देवी देवताओं को पूरे गांव में घुमा रहे हैं। देखिए कितना भव्य ये नजारा, कितना बड़ा कार्यक्रम, कितने लोग, लगभग 1000 के ऊपर लोग पूरे विसर्जन कार्यक्रम में रहते हैं। जब ये मूर्ति पहुंचता है तालाब के पास, लगभग 1500 से 2000 के करीब लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, जयकारा करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद माँ काली की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। फिर से कहते हैं कि लोग जल्दी आओ माँ काली, हमारे गांव को, गांव की रक्षा करो, शोभा बढ़ाओ। श्रद्धा पूर्वक यहां पर लोग पूजा करते हैं सुख शांति के लिए। देख सकते हैं कितनी भारी भरकम संख्या में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सभी इस दलबल के साथ माँ काली की प्रतिमा के साथ चल रहे हैं, उन्हें विदा कर रहे हैं। देख सकते हैं विशेष कवरेज आप मधुबनी के सोहराई गाँव से देख रहे हैं। प्लीज़ इस चैनल का मदद जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को बताएं इस न्यूज़ चैनल के बारे में, शेयर जरूर करें, लोगों को बताएं कि भारत उदय समाचार यूट्यूब पर सर्च करें, जरूर मिलेगा, और लोगों को जरूर बताएं, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें भारत उदय समाचार की विशेष कवरेज, आगे का कवरेज, इसके बाद आप कवरेज देखेंगे सोहराई गाँव का, जब उस गाँव के लोग अपने इंटरव्यू में क्या कहेंगे वो भी आप देखेंगे। देखते रहिए भारत उदय समाचार, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसका जरूर मदद करें और व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें, लोगों को बताएं इस न्यूज चैनल के बारे में। जय हिंद, जय भारत। भगवती महामाया तुम्हें त्रिगुणात्मिका, तुम्हें रजोगुणे ब्रह्मार गृहिणी वागदेवी, सप्तगुणे विष्णु पत्नी लक्ष्मी, तमोगुणे शिवेर वनिता पार्वती, अपार त्रिगुणातीत तुरीयावस्थाय तुम्हें अनिर्वचनीया, अपार महिमामयी परब्रह्म महेशी देवी ऋषि कात्यायनी। Come on!
भव्य मंदिर उसी गांव का है जहां पर चार दिन तक चलता है बड़ा मेला, बड़ा कार्यक्रम माँ काली के इस पावन अवसर पर। पूरे गांव के लोग तन मन धन के साथ खड़े रहते हैं, खासकर पूरे समाज के लोग रहते हैं। दिखाइए पूरे समाज को इस चैनल को, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों को बताइए इस न्यूज़ चैनल के बारे में।